अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आगा ज़मानी और इस वक्त मैं सतपारा झील और सतपारा डैम है। देखें, ये आपको कहीं से लग रहा है कि ये सतपारा झील है या सतपारा डैम है? ये हालात है, देखें। स्कर्दो बल्तिस्तान में गुज़िश्ता 15-20 दिन से पानी की शदीद किल्लत है। देखें, इस वक्त मैं सतपारा डैम में चल रहा हूँ। देखें आप, पानी कल आना शुरू हुआ है। देखिए सामने आपको चोटियाँ नज़र आ रही हैं, ये वहाँ से ग्लेशियर्स पिघलते हैं। उमूमन यहाँ के लोग कहते हैं कि 15 मई के बाद से पानी आना शुरू हो जाता था, क्योंकि गर्मी पड़ती है और उसके बाद जब धूप निकलती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्लेशियर पिघलता है और यहाँ से पानी जाता है। लेकिन आप देखें, ये हालत है पानी की इस वक्त। ये कल पानी आना शुरू हुआ है यहाँ से। लेकिन आप देखें ना, वो सतपारा डैम का आखिरी कोना आपको नज़र आ रहा होगा, कितना दूर है। हम वो उस जगह से बाइक पर आए हैं सड़क के ज़रिए। तकरीबन हमें उस कोने से इस कोने आने में 10 से 12 मिनट लगे हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसका सिरा कितना दूर है। और पानी यहाँ बहुत कम है अभी, और 3 दिन यहाँ अच्छी धूप रही इस कर्दों में। और सामने देखें, फिर बादल आ रहे हैं। अगर बरसात हो गई, बारिश हो गई, तो इम्कान है कि ये पानी आगे तक पहुंच जाए। अभी ये पानी बिल्कुल आधे रास्ते में। मैं आपको, आप देखें पानी की इतनी किल्लत है कि हम डैम में खड़े हैं। आप देखें, मुझे खुद हैरत हो रही है कि डैम खाली है। डैम का वो शुरू का सिरा आप देखें, उधर थोड़ा सा पानी है। उधर ये रहा, कितना दूर है अभी, ये देखें आप। अभी मैं थोड़ी देर में आपको मज़ीद वीडियो दिखाता हूँ। पहले वो डैम के बिल्कुल सेंटर में, यानी झील के बिल्कुल सेंटर में एक जजीरा था, ये पूरा डूबा हुआ था। और पानी ये तकरीबन, ये मेरी उंगली आपको नज़र आ रही है ना, देखें अभी मैं इस जगह पर हूँ। हवा बहुत तेज़ चल रही है, इसलिए देखें मट्टी उड़ी है। ये देखें डैम का एक, यानी पानी का आखिरी हिस्सा यहाँ पर है। देखें यानी पानी का आखिरी हिस्सा है। पहले हम उधर थे सामने, वो देखें वहाँ थे, वहाँ से जो पानी आ रहा है ना रस के, वो अब तक यहाँ तक नहीं पहुँचा। देखें और डैम की सूरत हाल भी ये देखें। झील में, डैम में जब पानी फुल होता है तो ये आपको एक जजीरा नजर आ रहा, बीच का ये डूब जाता है और पानी की सतह यहाँ तक होती है। देखिए ये मेरे आपको उंगली नज़र आ रही है, देखें ये। और अभी आप देखें ये वहाँ से खाली है पूरा। अब हम इसके बिल्कुल सिरे पे आ गए हैं। यहाँ से अखराज होता है पानी का शहर के लिए, बिल्कुल इस कोने से। और अभी यहाँ पानी आना शुरू हुआ है। ये पानी इंशाल्लाह हो सकता है कि आज रात तक या कल सुबह तक वहाँ शामिल होना शुरू हो जाए, फिर जाके उम्मीद है कि स्कर्दों में पानी आना शुरू हो। वरना यहाँ पर तमाम स्कर्दों के अफराद जानते हैं कि गुज़िश्ता तकरीबन 12-13 दिन से 3-4 घंटे पानी आता था नलों में। अभी 5-6 दिनों से तो बाज़ इलाकों में, मसलन जेल घाट के इलाके में, अच्छा जी आलमदार चौक के इलाके में, फोंदूस के इलाके में और बाज़ आस्ताना के इलाके में, वहाँ अब तो 5 दिन से बिल्कुल नलके का पानी बिल्कुल बंद है। तो लिहाजा हम साल भर पानी से इस्तेफादा करते हैं। मेरी एक गुजारिश है कि ये जो पानी जाके डैम के ज़रिए, फिर वो वहाँ पर पावर हाउस है, फिर वहाँ से टंकी में जाता है, यहाँ के मेन जो टैंक है वहाँ से फिर स्कर्दो शहर के लिए मुंतकिल होता है। लेकिन बाज़ दफ़ा माजरत के साथ बहुत अफसोसनाक सूरत हाल होती है कि लोग पीने के पानी को पाइप लगा के उसके नल में, अपने खेतों में, अपनी क्यारियों में 24 घंटे छोड़ के रखते हैं। ये जिसकी वजह से पानी की शॉर्टेज हो जाती है। इस वक्त स्कर्दों में पीने का पानी नहीं है, लेकिन बाज़ लोग पता नहीं कहाँ से पाइप लगा कर घरों की तामीरात कर रहे हैं, बाज़ लोग खेतों के लिए पानी ले जा रहे हैं। लिहाजा इन चीज़ों की जानिब तवज्जो करनी चाहिए। हमें इस पानी को सही अंदाज में इस्तेमाल करना चाहिए, पानी की कदर करनी चाहिए। इस डैम को देखें, डैम खाली है। लिहाजा इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला से कि ये पानी इंशाल्लाह कुछ दिनों में भर जाएगा, लेकिन हमें अपना फ़र्ज भी निभाना है। पानी को, पानी की कदर करनी है, पानी को बेजा नहीं बहाना है, पानी को बेजा खर्च नहीं करना है। आप नेमतों पे शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला अपनी नेमतें जारी रखेगा। कुफरान नेमत करेंगे, नेमतों को ज़ाया करेंगे तो इसी तरह
खुदा ना खास्ता कहत ना आ जाए, पानी की कमी होती है, नेमतें उठा ली जाती हैं उस सरजमीन से जहाँ पर कुफरान नेमत की जाती है। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला अपनी बारान रहमत के ज़रिए, अपने रहमत के ज़रिए पानी को उस कर्दों में पाकिस्तान में फरावान फरमाए इंशाल्लाह। और जो जो शहरी जो जो वासी परेशान हाल हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम।